হিন্দুত্ব থাকিলে দেশ কেনেদরে সুরক্ষিত হব, হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ভাষণ প্রসঙ্গত উল্লেখ করলে। একটা সময়তে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঝাড়খণ্ডত নির্বাচনী প্রচার চলাই থাকতে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চাকু করলে তীব্র সমালোচনা। শুক্রবার কা দিন স্কুল বন্ধ হতে বিধানসভা মে নামাজ কা ব্যবস্থা কিয়া জাতে হে মহরম কা প্রসেশন নিকালতে হে রাম নবমী কা প্রসেশন নিকালনে সে ইয়ে লোগো কা দিমাগ গরম হো জাতে হে ভাই ওর বহনো হেমন্ত সোরেন কো বতা দেনা হে কি হাম হিন্দু হে হিন্দু হে আর হিন্দু হাম রহেগা 500 সাল কা বাদ ভি 500 সাল কা বাদ ভি হিন্দু নে বাবরি মসজিদ হটায়া আর রাম জন্মভূমি মন্দির বানায়া হামে আপকো আপ হামে দবা নেহি সকতে হো ইয়ে বাত হেমন্ত সোরেন জি শুন লো ভাই আর বহনো আপ লোগো কা কোই ভি मैं गारंटी दे के बोल सकता हूं आप लोगों का कोई भी एक आदिवासी फैमिली का खिलाफ कुछ भी बोलेगा आपको अरेस्ट किया जाएगा, करना भी चाहिए। लेकिन अगर इरफान अंसारी सीता सोरेन का खिलाफ बोलते हैं तो इरफान अंसारी को अरेस्ट करने के लिए हेमंत सोरेन का हिम्मत क्यों नहीं होते हैं बोलिए, क्यों नहीं होते हैं? आज ये पूरा झारखंड ये लोग घुसपैठियों का सामने नतमस्तक करवा के रखे हैं। संथाल परगना में 1951 में 23 लाख पॉपुलेशन थे, उसमें 20 लाख हिंदू थे, खाली 9% मुसलमान थे। आज संथाल परगना में क्या हुआ है, हिंदू 90 से 67% हुए हैं और मुसलमान 37% हुए हैं। कहां से हुए? ये सारा घुसपैठिया आके संथाल परगना आज खा चुके हैं। ये लोग 100% वोट देते हैं कांग्रेस और जेएमएम को, इसीलिए ये लोग खून भी करे ये लोग। हम बाहरी होते हैं लेकिन इरफान अंसारी आलमगीर आलम बाहरी नहीं होते हैं। मैं हेमंत सोरेन को पूछना चाहता हूं, आपका बाहरी और भीतरी का ये संज्ञा क्या है, घुसपैठिया क्या है? ये आपका पास कोई जवाब नहीं है। भाई और बहनों, आज हेमंत सोरेन कुछ नहीं कर सकता है लेकिन हम तो कर सकता हूं। इरफान अंसारी और आलमगीर आलम को थोड़ा उनका पाप को कम करने के लिए गंगा माँ के फेंक के गंगा माँ से सर्विसिंग करवाना चाहिए आलमगीर आलम और इरफान अंसारी को, चाहिए कि नहीं चाहिए? गंगा माँ में उनका सर्विसिंग होना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई और बहनों, सर्विसिंग कब होगा? जब हम लोग अपना वोट नहीं बांटेंगे। जिकोनो खबर पाबे जुगाजुग करक 7099017330 अथवा 7099017330।